सो गाइस, इस तरीके का यदि आप ब्लॉगिंग सेटअप बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इसमें इस सेटअप में बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम आता है। जैसे आप इस तरीके से ब्लॉगिंग करेंगे तो आपका जो माइक जिस तरफ है उस तरफ यदि आप बोलेंगे तो आपका आवाज़ बहुत अच्छे तरीके से रिकॉर्ड होगा, लेकिन जैसे ही आप फ्लिप करके इस तरीके से पीछे की तरफ दिखाएंगे तो आपका माइक का जो मुंह है सामने हो जाएगा, तो जो आप बोलोगे वह रिकॉर्ड नहीं होगा। तो यदि आप ब्लॉगिंग के लिए इस तरीके का माइक जो बोया का डबल M1 माइक आता है और लेते हैं तो फिर आप एक बार सोच लेना, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा समस्या आ रहा है। क्योंकि मैं भी ब्लॉगिंग करता हूं तो मुझे बहुत ज़्यादा समस्या आता है, और मैं सोच रहा हूं कि एक वायरलेस ले लेता हूं और वायरलेस को लगा लूँगा तो मैं किसी भी तरीके से अपने मोबाइल को इधर उधर दिखाऊंगा तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा और मैं अच्छे तरीके से ब्लॉगिंग कर सकता हूं। तो यदि आप बोया का डबल M1 माइक लेना चाहते हैं ब्लॉगिंग के लिए तो आप एक बार सोच लेना, और यदि स्टूडियो के लिए यूज करना चाहते हैं इंडोर के लिए तो आप डेफिनेटली इसे यूज कर सकते हैं।